गो करो ना गो, गो करो ना गो, स्कूल में बम फट जाएगी। हाँ, गरम गरम बात है आपके एग्जाम टाइम पर हर साल के जैसे, है ना, हर साल के जैसे। हाँ, कोरोना इज बैक। हाँ, हंसने वाली बात तो वैसे नहीं है, बहुत दुखद बात है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें चुटर पुटर मसाले लगाए जा सकते हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये सेंसिटिव इशू है, इस पे हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यस कोरोना इज बैक। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये पूरे साल नहीं आता है, ससुरा आखिरी के एग्जाम के टाइम ही क्यों आता है ना। अब इसी में जेई मेंस का भी डेट आ रहा है, इसी में आपके स्कूल का है, प्रैक्टिकल है। हाँ, अब वही है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, सब मतलब सारी चीजें धराशायी हो जाती है। ठीक है, और इस बार तो बहुत ज्यादा मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा फैल भी रहा है। 60% ऑफ चाइना इज कोविड पॉजिटिव, अप्रोक्सीमेटली 60%, राइट, एंड साउथ कोरिया एंड जापान इज ऑल्सो इन दैट वेव। भगवान करे भाई हमारी वैक्सीन जो देश की है वो एटलीस्ट काम कर जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है सारा खेल वैक्सीन का ही है। हाँ, इंडिया वाली वैक्सीन तब भी अच्छी है, वहाँ वाला तो आप क्या ही बोले। हाँ, तो एग्जाम टाइम से पहले ये डिसेबल कौन कर रहा है, एग्जाम टाइम से पहले ये हर बार के जैसे प्रकट हो रहा है, लेकिन आपको आपकी तैयारी अच्छे से करनी है बेटा। हाँ, क्योंकि आपका कोरोना 2-3 साल से बहुत अच्छा दोस्त रहा है। हाँ, मतलब एग्जाम आप लोगों की तो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। हम लोग बचपन में सोचते थे यार कल एग्जाम स्कूल में बम फट जाएगी। हाँ, स्कूल में बम कोई फोड़ दे कि भाई क्लास ना हो एग्जाम ना हो। आप लोगों को तो भगवान ने वो भी मौका दिया है ना। तो बस कोशिश ये करिएगा कि आप अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि आप ही से तो हमारा देश चेंज होगा। यू आर द न्यू जनरेशन, हम तो बड़े लोग हो चुके हैं, है ना। हाँ, प्रवेश, यस, गो करो ना गो, गो करो ना गो। हाँ, ठीक है, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, कोरोना आ रहा है यहाँ पे सब लोग, गो करो ना गो, ऐसे बोलने से करो ना। ओहो, इनके पास तो मंत्र आ गया भाई, अब दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा। तुझे सोचता हूँ मैं शामो सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या।